हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने ओल्ड आईफोन्स के बैटरी को कैसे यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो और यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम के लिए बैटरी बैकअप यहाँ पे पा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अब जो है इस वाले डिवाइसेस में यहाँ पे 6S हो गया, 6S+ हो गया, 7 हो गया, 7+ हो गया। दोस्तों, इन वाले डिवाइसेस में जो है iOS 16 का अपडेट तक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला था। एंड दोस्तों, उसके साथ साथ फ्यूचर में भी यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट्स होगा तो फिर एप्पल पुश कर सकता है, ठीक है। तो फिर दोस्तों, जिन लोगों के पास अभी भी ये है और इन लोगों ने यहाँ पे रिफर्बिश्ड खरीदा है नया से और यहाँ पे इतना बजट नहीं है यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए, तो फिर दोस्तों उन लोगों के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे वीडियो यहाँ पे बना के ला चुका हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। सो सबसे पहले फ़ोन की बात करते हैं। फ़ोन को सबसे पहले आपको दोस्तों अपडेट के हिसाब से भी यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता रहता है। आईफोन यूज़र को पता ही होगा दोस्तों, अपडेट के रिलेटेड भी और किसी किसी अपडेट में आपका आईफोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट बन जाता है और किसी किसी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है। टिप नंबर वन दोस्तों, आपका सेटिंग में ही है, ठीक है। आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से दोस्तों जनरल में जाना है। दोस्तों आप ये जो है नहीं समझना कि मैं CPI वाला कॉमन से फीचर्स बता रहा हूँ जो कि टिप्स सारे यूट्यूबर्स प्रोवाइड करते हैं। नहीं दोस्तों, मैं दोस्तों कुछ अलग सा भी यहाँ पे टिप आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्पफुल कर देगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल पे जाके यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप रिफ्रेश को यहाँ से ऑफ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ काम इसका नहीं होता है, तो फिर आप इसे अगर ऑफ ही करके रखते हो तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो दोस्तों, अब टिप नंबर टू के तरफ जाते हैं। जब आप टिप नंबर टू में बताता हूँ, आपका यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे फोन्स में वाइब्रेटिंग यहाँ पे ऑन होता रहता है, चाहे आप टाइप करते हो तब हो या फिर आप जब फ़ोन को लॉक करते हो तब वो तब एक साउंड जो एक प्रोड्यूस होता है दोस्तों, उसको यहाँ पे आपको ऑफ करके रखना है। क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैटरी को कंज्यूम कर लेते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे साउंड्स पे जाना है। साउंड्स पे जाने के बाद आपको एक वाइब्रेट ऑन रिंग और वाइब्रेट ऑन साइलेंट, ये दोनों पे जो है आपको ऑफ करके रख देना है। देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड क्लिक्स और यहाँ पे लॉक साउंड पे भी यहाँ से आपको यहाँ इसको ऑफ करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं बैक पे जाता हूँ और टिप नंबर थ्री जो है आपको यहाँ पे होम स्क्रीन से रिलेटेड है। दोस्तों काफ़ी सारे बंदों को यहाँ पे आपको अगर नहीं चाहिए यहाँ पे विजिट्स तो फिर आप बिल्कुल ही मत लगा के रखाया करो यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी को आपको कंज्यूम कर देता है। सो जैसे कि मुझे ये वाला स्क्रीन टाइम वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं चाहिए, तो फिर मैं दोस्तों इसे रिमूव कर देता हूँ। और चाहूँ तो दोस्तों यहाँ से मैं इसे भी रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके भी देख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे जो परसेंटेज वाले ऑप्शन को ऑन भी कर सकता हूँ यहाँ पे। सो इसके लिए दोस्तों आप इसे जो है कभी भी ऑन करके यहाँ पे विजिट्स को यूज़ मत करना अगर आपका यहाँ पे छोटे छोटे फ़ोन से। हाँ, अगर आपका 6+ या फिर 7+ है तो फिर आप उनमें जो है एक विजिट मिनिमम आप यहाँ से लगा के रख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे लेफ्ट जब क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे भी काफ़ी सारे यहाँ पे विजिट्स रहते हैं जो कि दोस्तों अपडेट होते रहते हैं। मैप हो गया और यहाँ पे दोस्तों कुछ वेदर हो गया, ये वाले दोस्तों इंटरनेट के साथ साथ और यहाँ पे बैटरी को भी कंज्यूम कर लेते हैं बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो के। सो यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ से इसे जो है रिमूव कर देता हूँ। आपको भी यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि ये कुछ भी ऐसा काम का नहीं रहते होता है एक नॉर्मल यूज़र के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो मैंने जो यहाँ पे रिमूव कर दिया है। दोस्तों अब जाते हैं यहाँ पे टिप नंबर यहाँ पे फोर के तरफ। फोर में जो है आपका यहाँ पे फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है।
अब के बाद दोस्तों जीपीएस है को जो कि काफी लोगों को ऐसा ही यहाँ पे मजा लगा रहता है, जीपीएस को ऑन करके रखते हैं दोस्तों। ये सिक्योरिटी के साथ साथ आपका बैटरी भी काफी ज्यादा यहाँ पे कंज्यूम कर लेता है, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए एक बार से। काफी सारे लोगों को मैं देखा हूँ जीपीएस उनका कोई भी काम नहीं है होता है, लेकिन यहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपने जीपीएस को हमेशा ऑन रखते हैं। सिंपली आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे प्राइवेसी के जाके यहाँ पे आपको लोकेशन सर्विसेस यहाँ पे ये जो है ऑन होगा, आपको सिंपली यहाँ से ऑफ करके रखना होगा इसे, ठीक है। जब चाहिए तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे टिप नंबर 5 के तरफ भी आप लोगों को जाके मैं बता देता हूँ। जब आप टिप नंबर 5 के तरफ यहाँ पे मैं बताता हूँ, सो सिंपली टिप नंबर 5 जो है आपको कैलेंडर्स में देखने को मिलता है। सिंपली आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे कैलेंडर पे ऑप्शन पे जाके दोस्तों अब आप समझना यहाँ पे कैलेंडर में क्या है। तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पे एक स्कैनिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बार बार यहाँ से स्कैन होता रहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे जनरली मालूम होता है कि कौन सा फेस्टिवल क्या कुछ है। अगर आपको यहाँ पे कुछ पता करना है तो फिर आप मैन्युअली भी कैलेंडर ऐप को ओपन करके कर सकते हो। सो सिंपली आपको यहाँ से जो है स्कैनिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ से 2 वीक्स एवरी 2 वीक को जो है ये जो है स्कैन करता रहेगा, तो फिर ये जो है आपके फ़ोन के लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एंड दोस्तों यही है। एंड दोस्तों अब मैं यहाँ पे टिप नंबर 6 के तरफ बात करता हूँ। सो 6 के तरफ अगर आपका फ़ोन का बैटरी यहाँ पे 20, यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ 30% पे या फिर 40% पे आपका बैटरी अगर पहुँच गया है, हालांकि 40 यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों 40% ठीक है आपके डिवाइस के लिए। जब आपका 40% पे बैटरी आ जाता है तो फिर आप अपने लो पावर मोड को ऑन कर लेना, उससे ही यहाँ पे बैटरी को जो है यूज़ करना। अगर आपका दोस्तों कुछ आई में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं रेकमेंड करता हूँ आप यहाँ से डार्क मोड को ना ही यूज़ करो, जितना कम यूज़ करो उतना ही बेनिफिशियल है, ठीक है। सो दोस्तों वो एक टॉपिक के अलग सा बात है। सो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे टिप नंबर आप 7 की तरफ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग केयरलेसली इसे लेते हैं। दोस्तों आप कभी यहाँ पे देख सपोज यहाँ पे ऐप को ओपन करते हो, लेकिन आप यहाँ से जो है बैकग्राउंड से कभी भी रिमूव नहीं करते हो, जो कि ये बैकग्राउंड में हमेशा रन करते रहते हैं, जिसके रीज़न से काफ़ी ज़्यादा बैटरी यहाँ से ये जो है कंज्यूम हो जाता है। सो सिंपली आपको यहाँ पे दोस्तों टाइम टू टाइम यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स को यहाँ पे क्लोज करते रहना है। जो आपको नहीं चाहिए दोस्तों, जो जो चाहिए सिर्फ वही आप यूज़ करना, ठीक है। सो दोस्तों यही था। और दोस्तों वो लास्ट टिप के मैं बात करता हूँ लास्ट वाला टिप का, तो फिर टिप नंबर 8 आपका जो है वाईफाई और ब्लूटूथ के है। काफ़ी ज़्यादा लोग को यहाँ पे आप वाईफाई ब्लूटूथ और इंटरनेट सारा कुछ ऑन रहता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही यहाँ पे कोई नीड नहीं होता है इस चीज़ का। सो सिंपली आप क्या करोगे, जब भी आपको जो है यूज़ नहीं करना है तो फिर आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ को यहाँ पे सेटिंग पे आपके सेटिंग पे जाके आपको परमानेंटली ऑफ कर देना है, ताकि जो ये परमानेंटली ऑफ हो जाए दोस्तों। अदरवाइज आप यहाँ से अगर यहाँ से ये ऑफ कर देते हो तो फिर भी यहाँ से ये जो है ऑफ रहता है, बैकग्राउंड में स्कैन करता रहता है, भले ही उस टाइम पे जो है ये वर्क ना करे। सो सिंपली आपको यहाँ से सेटिंग पे आके यहाँ से इसे ऑफ करना होगा। सिमिलरली आपको वाईफाई को भी इस तरह से ही ऑफ करना होगा। तो फिर दोस्तों ये कुछ मेरे 8 टिप्स थे आपके पुराने आईफोन्स के बैटरी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड दोस्तों ये जो है बैटरी हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे कि मेरा यहाँ पे बैटरी लाइफ यहाँ पे 100% है, ओरिजिनल बैटरी है, सारा कुछ ओरिजिनल ही है यहाँ पे बैटरी वगैरह, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा कम बैटरी बैकअप अभी जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पे iOS 15.8 को यहाँ पे दोस्तों अपडेट करने के बाद जाहिर सी बात है आपको बैटरी बैकअप कम ही देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हो। बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।